नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में अगले साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़ी बात कही है और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि कोरोना वायरस से ज़्यादा बीजेपी सरकार के कुशासन से जनता त्रस्त है। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा, कोरोना और फंगस संक्रमण के इलाज में लापरवाही के चलते लाखों जाने गई हैं। गांवों में स्थिति तो और ज़्यादा ख़राब है, वहां दवा इलाज की अव्यवस्था है, कानून व्यवस्था चौपट है। अब बीजेपी नेतृत्व को लगने लगा है कि उसके राज्य में सरकार के बस कुछ ही दिन शेष बचे हैं, सत्ता हाथ से जा रही है। इसलिए हड़बड़ाहट में बीजेपी नेतृत्व दिल्ली से लखनऊ तक दौड़ लगाने लगा है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा, सच तो ये है कि बीजेपी के कार्यकर्ता और आरएसएस स्वयंसेवक दोनों अपनी उपेक्षा के चलते विश्राम की मुद्रा में चले गए हैं। नेतृत्व उनके विरोधी तेवरों से हैरान है। जनता में समाजवादी पार्टी की पैठ से डरा सहमा बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली से लखनऊ तक एसी कमरों में चिंतन मंथन मनन और भोजन के साथ लगातार बैठकों में लग गया है। लेकिन हालात ये हैं कि इसके भेजे गए दूत एक को मनाते हैं तो दूसरा रुक जाता है। सरकार और संगठन में दरार रार पाटने के लिए ट्वीट पर ट्वीट कर किसी तरह अपना पिंड छुड़ा कर नेतागण विश्राम मुद्रा में चले जा रहे हैं। आपको बता दें, पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा, सरकार झूठे आंकड़ों के सहारे जनता को बरगलाना चाहती है। कोरोना संक्रमित कर्मचारियों के ड्यूटी पर मौत के मामले को छुपाकर मुआवजा देने से बचना चाहती है। अपनी नाकामी छुपाने को कोरोना से मृतक संख्या को कम बता रही है। अगर उसकी नीयत साफ है तो वो सभी गांव-गांव जाकर मृतकों के परिजनों से मिलेंगे और उन्हें सांत्वना देंगे, उनकी परेशानी पूछेंगे। वैसे सभी पार्टीजनों से अपेक्षा है कि वो ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे और किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। बता दें, अखिलेश यादव ने कहा, जनता को बरगलाने में बीजेपी अब सफल नहीं होगी। जनता ने निश्चय कर लिया है कि 2022 में बीजेपी की विदाई और समाजवादी सरकार बनना तय है। बीजेपी बढ़ते जनाक्रोश और किसान आंदोलन से डरी हुई है। इसी से उत्तर प्रदेश में कभी संगठन में तो कभी सरकार में फेरबदल की चर्चा छेड़ी जाती है, लेकिन अब लोग गुमराह होने वाले हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।